नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पेडियाट्रिशियन, और आज हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल के ऊपर। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल को बहुत अच्छा माना गया है। ये कहा जाता है कि सरसों का तेल लगाने से बच्चों के इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, उनका खांसी ज़ुकाम चला जाता है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो डिनाई करती है कि सरसों का तेल बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि सरसों का तेल लगाएं या नहीं लगाएं, और लगाएं तो किन कंडीशंस में लगाएं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल एप्लीकेशन से न्यूबॉर्न्स को या इन्फेंट्स को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है सरसों का तेल लगाने से, उससे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, तो स्किन की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। ये एक तरीके से स्किन इन्फेक्शंस को, जैसे फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ में स्किन को फाइट करने के लिए अच्छा माना जाता है कि अगर आपने सरसों का तेल अप्लाई किया है तो स्किन पर बैक्टीरियल और फंगल अटैक नहीं होगा। तीसरा इसका जो बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि ये एज ए डीकंजेस्टेंट काम करता है। कई घरों में जब बच्चों को खांसी जुकाम होती है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन और लहसुन उबाल के छाती पे लगाते हैं और बच्चे को उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये मॉस्किटो और इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह काम करता है, यानी कि ये मच्छरों को और कीड़ों को दूर भगाता है अगर स्किन पर लगाए तो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सरसों के तेल में एक तरीके का एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायनेट, जो एक हाईली एलर्जिक टाइप का एंटीजन है, और इसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत पंजेंट स्मेल होती है। तो इस तरह का जो एंटीजन है एलाइल आइसोथायनेट, जिसका नाम मैंने आपको बताया, इससे कई तरीके की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या वेसिकुलर डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा जैसे इश्यूज़ देखे गए हैं, और प्रैक्टिकली ये हमने भी देखे हैं ओपीडी में कि जो रेगुलरली मसाज करते हैं सरसों के तेल से, उनके बच्चों में इस तरीके की इश्यूज़ हो सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि सरसों के तेल को यूज़ करें या ना करें बच्चों में। रेगुलर मसाज के लिए आप सरसों का तेल यूज़ ना करें। इसके लिए आप या तो तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा माना गया है, या फिर खोपरे का तेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो कोकोनट ऑयल और सीसेम ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर बेबी मसाज। सरसों के तेल को रेगुलर अप्लाई करने की जगह, कभी आपके बच्चे को लगा आपको कंजेशन हो रहा है या खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको सरसों के तेल में थोड़ी सी लहसुन और थोड़ा सा अजवाइन उबाल के उसको छान के आप बच्चे की छाती पर लगाएं, उससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है खांसी जुकाम में। ये हमारी नानी दादी के नुस्खे हैं। वैसे हम एलोपैथी वाले इन चीज़ों में कम बिलीव करते हैं, पर एज अ मदर मैंने इसे यूज़ किया है और ये एक बहुत ही अच्छा कारगर सोल्यूशन भी है अगर थोड़ी बहुत खांसी जुकाम है तो। ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।